सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड राज्य प्रकृति की संपदा से लबरेज है और अपने वीडियोस में मैं आपको झारखंड के हर जगह के बारे में बतलाता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊँगा झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पर्वत के बारे में। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, झारखंड राज्य के हर जगह की एक अपनी अलग ही पहचान है, चाहे वो पर्यटन हो या शिक्षण संस्थान या खेल जगत हो। देवघर स्थित त्रिकुट पर्वत भी उन्हीं शानदार उदाहरणों में से एक है। त्रिकुट पहाड़ देवघर शहर से 10 किलोमीटर दुमका वाले रूट पर अवस्थित है। तीन प्रमुख हिल होने के वजह से इस पर्वत को त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। इस शानदार पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जमीन से लगभग 2470 फीट के करीब है। इस शानदार हिल के ऊपर तक पहुंचने के लिए एक रोप वे का इस्तेमाल किया जाता है। ये शानदार पर्वत श्रृंखला इतनी ऊंचाई पर अवस्थित है कि बरसात के मौसम मुख्य रूप से जुलाई से सितंबर में इसके ऊपरी परत पर बादल आ जाते हैं। इस पर्वत के टिप का नज़ारा काफ़ी मनमोहक और सुहावना है। त्रिकुट पर्वत के समीप तपोवन स्थित सोलर पैनल झारखंड का सबसे पहला सोलर एनर्जी हब है। तपोवन, जो कि तपोनाथ महादेव का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, त्रिकुट पहाड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मयूराक्षी नदी, जो कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों से होते हुए हुगली नदी में गई है, त्रिकुट पहाड़ से ही उद्गमित हुई है। त्रिकुट पहाड़ पर बहुत सारी गुफाएं और झरने भी मौजूद हैं, जो कि इस पर्वत की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर से वासुकीनाथ मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालु मंदिरों से सजे इस पर्वत पर रुकना काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, त्रिकुट पर्वत की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अब आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जहां मैं संजीव रहूंगा मौजूद एक बहुत ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।